हम लोग गोदौलिया से जो कि दशाश्वमेध घाट रोड पे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुंच जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर, जो कि वाराणसी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गंगा घाट है। यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। तो आइए चलते हैं, हम जब दिखाते हैं आपको वाराणसी में आए हुए बाढ़ की भयंकर भयावह स्थिति, जो कि विनाश लीला की ओर अग्रसर हो रही है गंगा नदी। जो ये जून जुलाई का मौसम होता है उस समय तो जो है कि मानसून का मौसम होता ही है, लेकिन जो एंडिंग टाइम होता है अगस्त सितंबर का, इस समय काशी में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, इस समय हम हैं दशाश्वमेध घाट पर और आने वाले जो कुछ दिन हैं, कुछ महीने हैं, यहाँ पे जो है कि गंगा नदी में जो बाढ़ की स्थिति है बहुत ही विकराल होने वाली है, क्योंकि जो तमाम घाट हैं गंगा नदी के, जो जैसे जलाशयन सिंधिया घाट, मणिकर्णिका घाट, मानमहल घाट, केदार घाट, राजा घाट, अस्सी घाट, तमाम जो घाट हैं 84 घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। जो लोग ख्वाहिश रखते हैं, देश विदेश से आते हैं गंगा किनारे, जो काशी अपनी है निर्मल पवित्र पावनी काशी, इसके जो किनारे है अर्धचंद्राकार स्थिति, जो कि काशी के किनारे जो घाट वाक करने की जो मंशा रखते हैं, इस समय वो उनका धरे का धरे रह जाएगा, क्योंकि तमाम घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। इस समय जो जहाँ पे है वहीं पे अपने आप को समेटा हुआ है, क्योंकि गंगा नदी में जो है कि बाढ़ की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। गंगा नदी का पानी जो है कि प्रतिदिन 1 से 2 फीट तक बढ़ जा रहा है, और जो नौकायन की जो स्थिति है, इस समय माझी लोगों का नौका इस समय किनारे कर दिया गया है DM के आदेश के अनुसार। तो गंगा नदी में इस समय नौका भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गंगा नदी में जल का जो विस्तार है, बहाव है, बढ़ाव है, काफ़ी तीव्र है। आने वाले दिनों में काफ़ी ये भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसे ही स्थिति पैदा हुई तो वाराणसी शहर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये जो बाढ़ की स्थिति है काफ़ी भयंकर, काफ़ी विनाशकारी होने वाला है, खास करके बनारस के लिए, क्योंकि अगस्त से सितंबर के महीने में ही ये जो बाढ़ की विनाश लीला होती है ये काफ़ी ज़बरदस्त होता है, खास करके वाराणसी के लिए। सो ये जो काशी है, बाबा काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पे हैं बाबा भोलेनाथ को मंदिर में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, साथ साथ माँ गंगा में स्नान करते हैं। तो इस समय क्या है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में लोगों का आगमन भी नहीं हो रहा है, बाहरी पर्यटकों का जरा भी आना जाना नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है कि लोग काफ़ी शांति में हैं और काफ़ी सुकून भरा माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो है कि वाराणसी जल पुलिस, जो कि अपने आप में तत्पर एवं हमेशा सचेत कि किसी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि गंगा नदी बढ़ाव पे स्थिति में है। सो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वाराणसी एवं काशी के ऊपर आधारित अगर कोई और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।